वेलकम इन आवर संत तुकाराम नॅशनल मॉडेल स्कूल लातूर. दिस इज मिसेस उज्ज्वला रणदिवे. कक्षा दूसरी, विषय हिंदी. सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पाठ देखने वाले हैं. बच्चों, यह क्या है? बिल्कुल सही, यह एक चिड़िया है. तो बच्चों, बारिश आने पर सभी चिड़िया कहाँ चले जाते हैं? बिल्कुल सही, बारिश आने पर सभी चिड़िया उनके घर चले जाते हैं. तो बच्चों, आज हम एक चिड़िया की कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम चिंकी है. वह बहुत ही साहसी है, जिसने अपने साहस से नया घोंसला बनाया है. तो चलो, ऐसे ही एक साहसी चिड़िया की कहानी हम सीखेंगे. कहानी का नाम है चिड़िया का नया घर. सर्दी का मौसम आ गया था. चिंकी चिड़िया सर्दी के मौसम से बचना चाहती थी. सुबह वो उठी और पास के एक पाठशाला के बगीचे से चुन चुन कर तिनके लाने लगी. वह एक नया घोंसला बनाने में जुट गई. एक एक तिनका जोड़कर चिंकी चिड़िया नया घोंसला बना रही थी. सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी रही और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया. लेकिन वह एक रात अपने पुराने घोंसले में ही बिताना चाहती थी, और क्यों ना चाहेगी, उसको पुराने घोंसले से लगाव जो था. अगली सुबह उठकर चिंकी चिड़िया नए घोंसले की तरफ उड़ी और उसने देखा कि किसी ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था. चिंकी चिड़िया बहुत उदास हो गई, बहुत नाराज हो गई. लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और इस उदासी को दूर करते हुए एक नए साहस के साथ वह फिर से नया घोंसला बनाने में जुट गई. तो देखा, कड़ी मेहनत के बाद हमारे चिंकी का घर बन गया. इस बार उसने पहले से भी अधिक मेहनत से घोंसला बनाया. उसका घोंसला सचमुच बहुत मनमोहक था. चिंकी चिड़िया ने हमें सीख दी कि असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, एक नए साहस के साथ फिर से अपना काम करना चाहिए. मेहनत करने पर हमें सफलता जरूर मिलती है. कहानी की सीख: चिड़िया ने हमें एक बहुत ही बड़ी बात सिखाई कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. हम कई बार अपना टारगेट पूरा करने में कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी कई बार हार भी जाते हैं और निराश हो जाते हैं. लेकिन हमें निराश होने के बजाय फिर से मेहनत करनी चाहिए और टारगेट पूरा करना चाहिए. जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोते हैं. हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते. चिंकी चिड़िया की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख देती है. घोंसला उजड़ जाने के बाद वो चाहती तो अपने सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने का सोचने में लगा देती. पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया. तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? थैंक यू.